हम देखो एक छोटे से व्यापारी हैं, हम तो ये चाहेंगे कि व्यापारी मजदूर सभी का, सभी वर्गों का सम्मान रहे सरकार में और सभी सभी वर्गों का फ़ायदा रहे। एक हम छोटे से व्यापारी हैं तो हम तो ये चाहेंगे कि आने वाली जो सरकार है, ये जो सरकार चल रही है, इस सरकार में व्यापारी मजदूर युवा सबका सब परेशान है। इसमें बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी चरम पर है। छात्र छात्राओं ने पढ़ाई करी, अच्छे नंबरों से सब पास हुए, लेकिन कोई नौकरी नहीं लग रही है। इसे देखते हुए हम चाहेंगे कि आने वाली सरकार अखिलेश यादव की बने, समाजवादी पार्टी की सरकार बने। कंडीशन तो ये है, काम कारोबार के हिसाब से तो मतलब बिल्कुल ही कंडीशन ज़्यादा ख़राब है। और इस बार जो मतलब जो काम का बहुत ज़्यादा डाउन रहा है, और दिसंबर में जैसे कि काम निकलना चाहिए उसी हिसाब से बिल्कुल भी काम नहीं है। और हमने ये पूरी तैयारी कर रखी थी गर्म की, माल वाल की मतलब जो है परचेसिंग अच्छी खासी कर रखी थी, उस हिसाब से काम नहीं मिला। लोगों के पास पैसा नहीं है, परेशान है, इसलिए सेल बिल्कुल नहीं है। महंगाई को लेके तो माल पे तो रेगुलर पैसे बढ़ ही रहे हैं, और इस बार मतलब जो है दो साल से पीछे से भी लेते हो आप तो अब तक बहुत रेटों में बहुत फ़र्क आ गया, और कस्टमर वही उन्हीं पुराने रेट में माल लेना चाहता है। और इसी के दौरान मतलब जो है ख़रीदारी भी बहुत ना के बराबर है। चुनाव के बारे में आप क्या चाहेंगे 2022 को, किसे चाहेंगे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री हम ये अखिलेश यादव को चाहेंगे। विधायक तो ऐसा हो कि सारी जनता की समस्या को दूर करे। आप देख लो, आप कहीं भी किसी रोड पर चले जाओ, कोई रोड ऐसा नहीं है कि जिसमें गड्ढे नहीं हो, मतलब गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ रही है। हमारे यहाँ पर विधायक हैं बीजेपी की, मंत्री भी हैं, तो उन्होंने अभी तक कोई विकास नहीं किया है चंदौसी शहर में। आप उनकी तरफ भी जाकर देख लें, रोडवेज पर पूरे गड्ढे इतने इतने गहरे हैं कि चलना दुश्वार है। ना ही कोई कॉलेज दिया उन्होंने, ना कोई मेडिकल दिया उन्होंने। बच्चों का जो ग्राउंड था वो ग्राउंड तक का ख़त्म कर दिया। अरे सारे जो बच्चे हैं स्कूल के कॉलेज के वो सब परेशान हैं युवा। महंगाई को लेके आप क्या क्या कहेंगे? महंगाई की तो बात ही नहीं करें सर, मेरा काम है आप देख रहे हैं गारमेंट का, सुबह से ये टाइम हो गया कुछ नहीं है। और इतनी महंगाई है कि पहले स्मृति ईरानी थी 2014 से पहले शोर मचाती थी कि सिलेंडर महंगा है महंगा है, लेकिन अभी जाके 900 से पार हो गया। वो कहाँ पर हैं? पेट्रोल 60 से 90 पहुँच गया, 95, आप देख ही रहे हैं महंगाई तो कितनी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।